वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह पाक आपको खुश व खुर्रम शादोबाद हंसता मुस्कुराता रखें, आमीन। और आप अपनी रहमतों बरकतों के दरवाज़े खुले रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार बर्फ़ी की रेसिपी को शेयर करने लगी हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल इन्ग्रीडियंट्स है और बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो चलिए आज इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैदे वाली बर्फ़ी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 4 कप मेरे पास मैदा है और यहाँ मैंने ले लिया है 3 कप, ये मेरे पास पाउडर शुगर के हैं। यहाँ पे है 2 कप मेरे पास देसी घी है और ये है सब्ज इलायची का पाउडर 1/2 टीस्पून। इसकी जगह आप जो है अपना मनपसंद कोई सा भी एसेंस यूज़ कर सकते हैं और ये ऑप्शनल है। जिन लोगों को इलायची नहीं पसंद वो इसको स्किप कर दें, वैसे भी इसको बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पैन में हम डालते हैं घी और घी को मेल्ट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं घी जो है मेल्ट हो चुका है और हमने इसको बहुत ही लो हीट पर रख के भूनना है। आपने इसकी हीट तेज़ नहीं करनी वरना आपका जो है मैदा जल्दी से जल जाएगा और मज़ा भी नहीं आएगा। तो ये लो हीट पर रख के अब मैं इसकी करूँगी भुनाई। तो इसको करते हैं मिक्स अच्छा सा घी के साथ और इसको मैं भूनती हूँ और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं तमाम मैदे में हमारा घी जो है अच्छा सा एब्जॉर्ब हो गया है। तो बस अब इसको मैं लो हीट पे रख के भूनूंगी इसी तरीके से। तो ये इनफ घी हमारा डला हुआ है तो इसको मैं भूनती हूँ और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमारा मैदा जो है ये भुनाई की तरफ आ रहा है तो ये सॉफ्ट होता जा रहा है। तो अभी इसको जो है मज़ीद हम भूनते जाएंगे इसी तरह। तो इस तरीके से इसको भुनाई करते जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमारा मैदा भुनाई की तरफ जा रहा है ये जो है घी को रिलीज कर रहा है और सॉफ्ट होता जा रहा है फ्लफी सा। तो अभी इसको थोड़ा सा मज़ीद और मैं इसको भूनूंगी और फिर मैं आपको आगे दिखाऊँ। अब आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैदे की भुनाई हो रही है ये जो है घी को रिलीज़ करना इसने शुरू कर दिया है। वैसे इसको थोड़ा सा और मैं पकने देती हूँ और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हमारा मैदा जो है बहुत अच्छे से भुन चुका है और तमाम घी जो है इसका अब हो चुका है रिलीज़। तो बस अब जो है इसको मैं डालूंगी एक बाउल में और इसको जो है फिर रूम टेम्परेचर की वाला उतना हम इसको जो है कूल डाउन होने देंगे, ठंडा कर लेंगे। तो इसको मैं शिफ्ट करती हूँ बाउल में फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अपना मिक्सर जो है मैं एक मिक्सिंग बाउल में शामिल कर रही हूँ, डाल रही हूँ और फिर हम इसको करते हैं थोड़ा सा ठंडा कि ये रूम टेम्परेचर पर अच्छा सा ठंडा हो जाए और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसको जो है मैं हिला रही हूँ ताकि ये जो हो जाए रूम टेम्परेचर पे ठंडा। तो इस तरीके से आप इसको हिलाते हुए ठंडा कर लें फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर जो है अब थोड़ा ठंडा हो चुका है और ये आप देखें कितना सिल्की और स्मूथ टेक्सचर जो है हमारे पास है। बस अब जो है ये जो पाउडर शुगर मैंने लिया था इसको जो है थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करते जाएंगे और अच्छा सा मिक्स करती जाती हूँ और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और साथ ही ये इलायची का पाउडर भी हम इसमें शामिल कर देते हैं और अब इसको मैं मिक्स करना शुरू करती हूँ। मिक्स करते हैं। तो अब एक ट्रे में मैंने जो है घी लगा के इसको ग्रीस किया हुआ था ट्रे को, अब ये जो हमारा मिक्सचर है इसमें डाल देंगे और अब जो है इसको मैं सेट कर लेती हूँ फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ट्रे में डाल के अब इसको मैंने सेट होने के लिए रख दिया है। ये मुकम्मल तरीके से सेट हो जाती है तो फिर मैं इसको कट करके आप लोगों के साथ इसका फाइनल लुक शेयर करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही मज़ेदार जो है अब मैदे की बर्फ़ी बनके तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। एक पीस में आप लोगों को करीब से जो है तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें किस कदर सॉफ्ट और मज़ेदार मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी जो है ये बनके तैयार हो चुकी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को
शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और मुझे अपनी ढेरों दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।